कृष्णा। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रील सनातन गोस्वामी के बारे में। श्रील सनातन गोस्वामी जो वृंदावन के छह गोस्वामियों में से सर्व प्रमुख है। सनातन गोस्वामी का जो पूर्वज ब्राह्मण परिवार, और पहले वो लोग कर्नाटक में रहते थे, तो कर्नाटक कन्याकुंज ब्राह्मण, तो उसके बाद वो लोग बंगाल में शिफ्ट हो गए। तो मुगलों का शासन कहने का अर्थ है, उस समय यहाँ जो बंगाल में मुस्लिम राज्य मतलब राजा था नवाब हुसैन शाह, मालदा जिला, जो अभी वर्तमान मालदा जिला के नाम से जाने जाते हैं। तो उस समय उस राजा के अधीन में पूरा भारतवर्ष लगभग बहुत एरिया उनका था, क्योंकि 500 वर्ष पूर्व का जो राज्य का विभाजन और अभी का जो भारत का 28 राज्य, उसमें थोड़ा सा विभेद है। जैसे जगन्नाथपुरी का जो राजा महाराज प्रताप रुद्र, तो प्रताप रुद्र आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला और उड़ीसा, ये पूरा चारों स्टेट एक था और महाराज प्रताप रुद्र शासन करते थे। बाद में तो डिवाइडेड होके सब अलग अलग हो गया। तो उसी पर का नवाब हुसैन शाह यहाँ के राजा थे पश्चिम बंगाल तो अभी नाम हुआ, बंगाल के राजा थे। बंगाल उस टाइम बांग्लादेश भी था। तो उस समय का ये था कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है, बुद्धिमान हिंदुओं को मुसलमान राजा अपने कोर्ट में या अपने सभा में, अपने राज्य में एक बहुत ही उच्च पदाधिकारी के रूप में रखते थे। क्योंकि बुद्धिमान अगर होंगे वो तो सुंदर रूप से परिचालना कर पाएंगे। जैसे अकबर ने बीरबल को रखा था, तानसेन, तो इस तरह करके हम लोग देखते हैं कि इतिहास में। और ये 500 वर्ष पूर्व, तो सनातन गोस्वामी की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि सनातन गोस्वामी किस तरह भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के लीला में या श्री चैतन्य महाप्रभु के लीला में योगदान करके अपना जितना बुद्धि, ज्ञान, नॉलेज सब कुछ महाप्रभु के सेवा में लगा दिया। तो सनातन गोस्वामी का नाम था पहले अमरदेव, तो उनका और भी दो भाई थे, एक है रूप गोस्वामी और एक है अनुपम। अनुपम का लड़का हुआ जीव गोस्वामी और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, तो बाद में नाम दिया गया चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। तो जब नवाब हुसैन शाह ने राज्य में सेलेक्ट किया कि इनमें से कौन से बुद्धिमान व्यक्ति है उनको हम अपने राज्य में एक अधिकारी के रूप में रखेंगे, तब उन्होंने इन तीनों को ढूंढा, नवाब हुसैन शाह, और तीनों को अपने राज कार्य में लगा दिया। तो सनातन गोस्वामी को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया और अनुपम को सनातन गोस्वामी का असिस्टेंट और रूप गोस्वामी को ट्रेजरी मीन्स अर्थमंत्री, जो कितना पैसा है, धन है राज्य में, हमारे राजकोष में, वो सब का देखभाल उसका जिम्मेवारी रूप गोस्वामी का, मतलब उनको नाम दिया गया था साकर मल्लिक और दबीर खास। साकर मल्लिक है सनातन गोस्वामी जो बाद में चैतन्य महाप्रभु ने दिए, और दबीर खास है रूप गोस्वामी। तो सनातन गोस्वामी इस तरह राज कार्य में इतने उलझे रहते थे,
कि वो प्राय मुसलमान की तरह ही वेशभूषा सब कुछ मुसलमान की तरह ही, उनका हृदय तो कृष्ण प्रेम में कृष्ण भक्ति में सर्वदा, क्योंकि रामकेली में मालदा सनातन गोस्वामी राधा कुंड श्याम कुंड उनका घर एकदम जैसे वो लोग वृंदावन में ही है, पूरा वृंदावन का परिवेश बना दिया था। यही होता है शुद्ध भक्त का प्रभाव, वो जहाँ भी जाता है अपने वृंदावन को साथ में लेके जाता है। अभी भी रामकेली अगर कोई जाएंगे तो देखने को मिलेगा वहाँ पर राधा कुंड है, वो सनातन गोस्वामी का बनाया हुआ है। राधा कुंड श्याम कुंड गिर गोवर्धन सब कुछ बनाया गया है, किस लिए? वो फीलिंग आने के लिए, परिवेश भक्ति करने के लिए। परिवेश वातावरण बहुत इम्पोर्टेंट है, माहौल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जिन्होंने सनातन गोस्वामी ये सब कर चुका था, तो धीरे धीरे सनातन गोस्वामी को पता चला कि चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके जगन्नाथपुरी और की जगन्नाथपुरी में वो संन्यास जीवन यापन कर रहे और वहीं पर सार्वभौम भट्टाचार्य राजा प्रताप रुद्र विभिन्न अपने पार्षदों के साथ लीला विलास करते हैं। तो सनातन गोस्वामी के हृदय में भी एक इच्छा हुआ, क्यों ना मैं भी महाप्रभु के लीला में अपने आप को योगदान करूँ, क्योंकि कब तक हम ये मेटेरियलिस्टिक वर्क ये भौतिक कार्यों में लगे रहे। तो सनातन गोस्वामी का इस तरह विचारधारा, तो उन्होंने कोशिश किया कि कुछ कैसे महाप्रभु की सेवा में लगे। तो एक बार क्या हुआ, जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से वृंदावन की ओर जा रहे थे, तो उस समय महाप्रभु की लीला की उन्होंने सोचा कि रूप और सनातन दोनों भाइयों को मुझे उद्धार करना है, क्योंकि वो लोग तन मन धन से सब समय मेरी राह देख रहे, मुझे पुकार रहे हैं, तो मेरा कर्तव्य है कि उनको दोनों को उद्धार करना। तो जब चैतन्य महाप्रभु एक बार मालदा रामकेली में आए थे, रामकेली में आया और जब चैतन्य महाप्रभु के पीछे लाखों करोड़ों लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, तो नवाब हुसैन शाह ने एक बार अपने मंत्री से सनातन से या विभिन्न और भी अपने लोगों से पूछा कि ये सन्यासी के पास ऐसा क्या है, कि महाप्रभु के पास ऐसा क्या है जो ना उसको पैसा दे रहे किसी को ना कुछ खाने को दे रहे, लेकिन फिर भी उनके पीछे पीछे इतने लाखों लाखों फॉलोअर्स वृंदावन की ओर जा रहे थे। मतलब एक्चुअली जगन्नाथपुरी से वृंदावन महाप्रभु विभिन्न अनेक फॉलोअर्स अनेक लोगों को वृंदावन की ओर ले जा रहे थे। तो सनातन गोस्वामी से जब मिले रात को, सनातन गोस्वामी क्या किया, रात में सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी रात में महाप्रभु से मिलने के लिए, और सनातन गोस्वामी ने ही उनको बोला था। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन जो भगवान अपने भक्तों को बहुत प्रिय होता है और भक्त की हर बात को बहुत ही दिल से प्रेम से वो लगा लेते हैं, तो सनातन गोस्वामी बोले कि इतना हल्ला वल्ला करके, कहने का मतलब इतना लोग लेकर वृंदावन जाना अच्छा नहीं, ऐसा मतलब कुछ फीलिंग किया था सनातन गोस्वामी। तो चैतन्य महाप्रभु इस भाव को समझे और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु अकेला ही वृंदावन चले गए। तो सनातन गोस्वामी से जब मिले रात में, तो रूप और सनातन, तो चैतन्य महाप्रभु को पूछा कि हम लोग को उद्धार कीजिए प्रभु, हम लोग तो इस मैटेरियलिस्टिक मतलब भौतिक कार्यों में इस तरह फंसे हुए हैं, हम लोग को मन नहीं कर रहा है यहाँ पर रहने के। तब चैतन्य महाप्रभु दोनों को आशीर्वाद दिया था, सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी, आशीर्वाद दिया कि चिंता मत कीजिए कृष्णा, आप दोनों का बहुत जल्दी ही उद्धार करेंगे। ऐसा आशीर्वाद देके भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, यद्यपि वो साक्षात कृष्ण है, बल्कि कृष्णा आपका आपको उद्धार करेंगे। मतलब जब महाप्रभु के मुख से सनातन गोस्वामी ने ये सुना कि कृष्णा आपको उद्धार करेंगे, तब सनातन गोस्वामी को पूरा कन्फर्म हो गया, मुझे और किसी चीज़ का चिंता नहीं, क्योंकि कृष्णा आपका उद्धार करेंगे मतलब क्या है, कृष्णा कौन है, कृष्ण तो साक्षात चैतन्य महाप्रभु है वहाँ पर खड़े,
तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोले कि मैं आपको उद्धार करूंगा, नहीं बोले कि कृष्ण आपको उद्धार करेंगे। तो कृष्ण कौन उद्धार करेंगे, मतलब चैतन्य महाप्रभु उनका उद्धार करेंगे। ये भगवान की अद्भुत लीलाएं हैं, या बहुत ही मधुर तत्व है ये सब। तो सनातन गोस्वामी के मन में इतना आनंद आया, इतना हृदय में वो आनंदित हो गया। तो ऐसे करके वो रात बिताने के बाद चैतन्य महाप्रभु सुबह सुबह वृंदावन की ओर चल पड़े। तो फिर अपने राज कार्यों में लग गया सनातन गोस्वामी। तो एक दिन, दो दिन, तीन दिन इस तरह करके राज कार्यों में आया। उसके बाद वो मन ही मन रूप गोस्वामी, तो क्या किया, रूप गोस्वामी का जितना सारा धन था वो तो अपने परिवार लोगों को 50% बांट दिया। 50% भगवान की सेवा में लगा दिया, 25% अपने परिवार वालों को दे दिया और 25% अपने खुद के लिए रखा, और वो वृंदावन धाम की ओर चले गए। लेकिन रह गया हमें सनातन इस राजा के चंगुल में। तो इस तरह एक दिन, दो दिन, तीन दिन करके आने के बाद सनातन गोस्वामी सोचा, क्यों ना हम भी अपने जीवन को डेडिकेट कर देंगे महाप्रभु की सेवा में। तो ऐसे करके सनातन गोस्वामी एक दिन क्या किया, वो आए ही नहीं। दो तीन दिन से राजकार्य आया नहीं राजकार्य। तो नवाब हुसैन शाह ने उनको, उनके सैनिकों को बोला, आप जाके थोड़ा देखिए तो कि सनातन गोस्वामी क्यों नहीं आ रहे, क्या उसका समस्या है। तब वहाँ पे सैनिक सब आए, सनातन गोस्वामी देखा, सैनिक सब आके देखा कि सनातन गोस्वामी आराम से सभा मंडली बैठा कर श्रीमद् भागवत की चर्चा कर रहे हैं, भागवत पाठ कर रहे हैं, भगवान की कथा का डिस्कशन कर रहे हैं। तो सैनिक जाके राजा को बोल दिया कि सनातन गोस्वामी का कुछ बीमार नहीं हुआ है, वो ऐसे ही बोला था कि उनको, उनका शरीर में कुछ प्रॉब्लम है। नहीं, वो बिल्कुल बीमार नहीं, वो तो स्वस्थ है और सुंदर रूप से भागवत की चर्चा कर रहे, भगवान की गाथा गा रहे। तो राजा को बहुत गुस्सा आया। तो राजा चले आए उनके पास, सनातन गोस्वामी के पास, बोले कि सनातन, मतलब साकर मल्लिक, आप ये क्या कर रहे हैं, आप चलिए, हम मेरे साथ आप चलिए उड़ीसा राजा प्रताप रुद्र से फाइटिंग करने के लिए, क्योंकि उनको अगर जीत लेंगे तो भारतवर्ष हमारा हो जाएगा। तो ऐसा करके तो सनातन गोस्वामी बोले कि आप जगन्नाथ को कष्ट देने के लिए जा रहे हैं, उत्पीड़न करने के लिए, मतलब जगन्नाथ पुरी में जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ को। बोले कि मैं तो नहीं जा सकता। तो बोले ठीक है, अगर आप नहीं जा सकते तो कम से कम आप राज्य में ऐसे करके। तो वो समझ गया, तो राजा को क्रोध हुआ। तो बोले कि सैनिकों को बोला, सिक्योरिटी को, आप एक काम कीजिए, सनातन गोस्वामी को अरेस्ट कर दीजिए। तब सनातन गोस्वामी को अरेस्ट किया और प्रिजन, मतलब जेल में डाल दिया, उनके कारावास में। कारावास में जैसे डाल दिया तो सनातन गोस्वामी भी सोचा कि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम जय जना पर्युपास्यते, हाँ, कि बुद्धि प्रदान करते हैं भगवान कृष्ण। जब कोई भक्त भगवान की सेवा करने का विचार अपने मन में लाता है तो भगवान ददा में बुद्धि जोगंतम जैन मामू को जान देते, ददा में बुद्धि जोगम, भगवान कृष्ण उनको बुद्धि प्रदान करते हैं किस तरह वो सेवा को करे। तो सनातन गोस्वामी के हृदय में परमात्मा रूप में भगवान उनको सुंदर रूप से बुद्धि प्रदान की, बुद्धि जोग कि कैसे भगवान की सेवा के लिए अपने आप को मेटेरियलिस्टिक वर्क से छुटकारा। तो जो सिक्योरिटी था वहाँ पर, सनातन गोस्वामी ने उनको बताया कि एक काम कीजिए, आप मुझे छोड़ दीजिए, मेरे पास इतना कुछ पैसा है, आप वो सब ले लीजिए, चांदी का सिक्का है आप ले लीजिए, और मैं एक्चुअली धार्मिक कार्य के लिए मक्का मदीना जाऊंगा, फकीर बनूंगा वहाँ पर, क्योंकि मुसलमान के पास है ना, वहाँ पे अगर बोलेंगे मैं वृंदावन जाऊंगा तब वो नहीं छोड़ेगा। इसीलिए सनातन गोस्वामी बताए कि आप एक काम कीजिए, हम जाएंगे मक्का मदीना में, फकीर बनेंगे वहाँ पर,
भगवान की अल्लाह की सेवा में पूरी तरह से हम लग जाएंगे। तो उसको समझाया, लेकिन वो बताया वो तो ठीक है, लेकिन अगर राजा को पता चला तो वो तो मुझे जिंदा काट देंगे, मुझे मार डालेंगे वो। ना हम इस सिक्का का ना इस धन का हम सुंदर रूप से उपयोग कर पाएंगे, ना ही मेरा धर्म का कुछ ये होगा। हम मानते कि आपको छोड़ देने से मेरा धर्म होगा, अच्छा होगा, कि अल्लाह मुझ पर प्रसन्न होगा क्योंकि आप मक्का मदीना जा रहे हैं। लेकिन राजा को पता चले तो वो तो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। तो सनातन गोस्वामी बुद्धि दी थी, एक काम कीजिए, आप जब राजा आपसे पूछेंगे कि सनातन गोस्वामी का क्या हुआ, तब आप इस तरह एक ड्रामा एक चीज़ बताएंगे। मैं आपको जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। तो सनातन गोस्वामी ने बोला कि मैं सोच करने के लिए नदी में जाऊँगा। हाँ, मतलब सोच करने के बाद नदी में जाएंगे स्नान करने के लिए, तो मेरा तो हाथ बंधा रहेगा, सिकल जंजीर पूरा पैर से लेकर गर्दन पूरा शरीर लोहे का जंजीर मुझे बांध दिया गया है। तो जैसे हम पानी में जाएंगे तो फिसल के पानी के अंदर फिसल के हम गिर गया, ठीक है, रात का अंधकार का समय। और जैसे हम गिर गए तो पानी के अंदर हम चले गए, और पानी के अंदर चले गए तो राजा जब आपको पूछेंगे तो आप उसे बोल देना कि मैं उसे बचा नहीं पाया, वो पानी में डूब के मर गया। तब सिक्योरिटी सोचा हाँ ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। तो ऐसे करके सनातन गोस्वामी उसको चांदी का कुछ पैसा दिया और उनको समझाया। तो सनातन गोस्वामी इस तरह करके रातों रात वृंदावन की ओर प्रस्थान के महाप्रभु से मिलने के लिए, और अंत में वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले। तो इसमें और भी लंबी घटना है, तो हम जस्ट ये सनातन गोस्वामी के बारे में इसलिए बोले कि अगर कोई भगवान कृष्ण को पाना चाहते हैं या भगवान कृष्ण की भक्ति करना चाहते हैं, तो अगर हृदय में अगर निष्ठा हो या इच्छा अगर हमारा प्रबल रहे कि हम महाप्रभु की सेवा करेंगे, तो महाप्रभु जेना के ना प्रकार ना कृष्ण इस तरह का कुछ अरेंजमेंट कर देंगे, इस तरह बुद्धि प्रदान करेंगे तो कि आप उस मंजिल तक वो चीज़ को आप जरूर प्राप्त करें। यही मेरा बोलने का सनातन गोस्वामी के जीवन दृष्टांत से हम लोग समझेंगे, क्योंकि हमारा तो जीवन का भक्त का जीवन ही होता है महाजन जन गत स्वतंत्र, कि महाजनगण जो भगवान के शुद्ध भक्त जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य जो भगवान को प्राप्त करने के लिए जो पद चिन्ह छोड़ चुके हैं, उसी पद चिन्ह को धारण अपने हृदय में अपने जीवन में धारण करके उस पर चलना है, तभी हम लोग उस मंजिल उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे भगवान कृष्ण के चरण पर। इस तरह भगवान के अनेक शुद्ध भक्तों की लीला है। तो आज हम सनातन गोस्वामी के बारे में बताएं, हम उम्मीद करेंगे कि भगवान कृष्ण मुझे हृदय में ददामि बुद्धि योगम, मुझे वो बुद्धि प्रदान करें, बुद्धि योग प्रदान करें, ताकि मैं भगवान कृष्ण उनके शुद्ध भक्त के लीलाओं को इस तरह प्रस्तुत करें ताकि आप लोग सुन के उसमें प्रेरणा इंस्पिरेशन प्राप्त होकर भक्त बनने की इच्छा मन में प्रकट हो, और प्रबल इच्छा हो महाप्रभु से मिलने का, या महाप्रभु जो हम लोगों को दे चुके हैं उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए अपने आप को समर्पण करने का। भारत भूमि के मनुष्य जन्म होने जा जन्म सार्थक करी परोपकार ऑटोमेटिक हो जाएगा अगर आप जन्म सार्थक हो गए तो, परोपकार के लिए चिंता नहीं। अगर जन्म सार्थक हो गया, जन्म सार्थक अगर शुद्ध भक्त बन गए, जन्म सार्थक का क्या, मनुष्य जीवन भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त बनने के लिए। तो अगर हम लोग भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण भगवान का शुद्ध भक्त बन गया, जीवन सार्थक हो गया, तो हम लोगों को देखकर बाकी सब इंस्पिरेशन प्राप्त करके प्रेरणा प्राप्त करके वो भी खुद भक्त बनने की इच्छा मन में प्रकट करें। तो पहला स्टेप अभी हमारा है जन्म सार्थक करो परोपकार।
तो परोपकार कैसे होगा, पहले जब खुद अपना जीवन सार्थक हो। तो हम उम्मीद करेंगे आप लोग को अच्छा लगा ये श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय पार्षद श्री सनातन गोस्वामी के जीवन दृष्टांत और उनकी लीला को श्रवण करके। हम उम्मीद करेंगे आप लोगों के सामने और हम भगवान के अनेक अनेक शुद्ध भक्तों की लीला को प्रस्थापित करें। हरे कृष्ण।